हमारी फायर डिपार्टमेंट है, दमकल की सेवाएं हैं, वो भी लगी हुई हैं, जल्दी हालात पे काबू मिल जाएगा। यही मुद्दा बना के आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव जीता था। तो हमने कितने बड़े कूड़े का पहाड़ खत्म किया आप देखिए ना, हमने जो मुद्दा बना के चुनाव लड़ा था हम उस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। बीजेपी तमाम आरोप लगा रही है इस मुद्दे पे। बीजेपी को छोड़ दीजिए, बीजेपी हिंदुस्तान की एक ऐसी भ्रष्ट पार्टी है जिसने सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ शामिल कर लिया, लोकतंत्र की हत्या की। ये लोग संविधान बदलने जा रहे हैं, आरक्षण खत्म करेंगे, चुनाव खत्म करेंगे। आज सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है। मुख्यमंत्री जेल में इसलिए कंट्रोल नहीं है, सब व्यवस्था पर ऐसा भी आरोप लगा रही है। देखिए मुख्यमंत्री सबसे बेहतरीन काम करके दिखा रहे हैं, बताइए देश में कौन सी बीजेपी की सरकार है जिसने इतना बढ़िया स्कूल बनाया हो, दिल्ली जैसा, अरविंद केजरीवाल जैसा अस्पताल बनाया हो, मोहल्ला क्लिनिक बनाया हो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई हो, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की हो, बताइए ना आप। तो इसलिए मैं समझता हूँ इस्तीफा तो इनको मणिपुर के मुख्यमंत्री का मांगना चाहिए जहाँ पे एक साल से हिंसा हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही मुख्यमंत्री जी को न्यायालय से न्याय मिलेगा।